खबरों का। रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने प्रेस वार्ता कर चुनाव को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 7 विधानसभा हैं, जिसमें से 110 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। अभनपुर को छोड़कर 6 ऐसे विधानसभा हैं जो बेहद संवेदनशील माने जाएंगे। पहली बार शहरी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। जिले में 1,10,000 मतदाता पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। जिले में मतदाता केंद्र के वेबकास्टिंग होगी, जिसका कंट्रोल भारत निर्वाचन आयोग के पास होगा। जिले में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। नामांकन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक परिसर में दिए जाएंगे। प्रत्याशियों को बैनर पोस्टर लगाने के लिए जानकारी देनी होगी। मीडिया कर्मियों के लिए के पास व्यवस्था की जाएगी। हमारे पास 18,79,000 मतदाता है, और जो पुरुष और महिला मतदाता का जो अनुपात है वो 990 है। तृतीलिंग के हमारे पास 291 मतदाता है, और अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो लगभग 2,60,000 मतदाता पिछले साल की तुलना में 2,60,000 ज़्यादा मतदाता इस बार वोटिंग का अपना राइट का अधिकार देंगे। इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे जिले में 1,869 मतदान केंद्र है, और इसमें से शहरी जो मतदान केंद्र है वो 11, क्योंकि अधिकतम हमारी जो विधानसभा है शहर की है, तो जो हमारे शहरी मतदान केंद्र है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रामीण मतदान केंद्र। और एक मतदान केंद्र के पीछे लगभग 1,006 मतदाता हमारा एवरेज है, यानी कि इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ मतदान केंद्रों में इससे कम भी हो सकते हैं और कुछ मतदान केंद्रों में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो चिन्हांकित करते हैं, हमारे जब यहाँ पे 6 ऐसे विधानसभा है जिसमें अभनपुर को हम छोड़ देते हैं, तो जो वे संवेदनशील विधानसभा माने जाएंगे। भाजपा में सीएम के चेहरे पर